चिचोली में किसान संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। भारतीय किसान संघ के करीब एक दर्जन से अधिक कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, तो वहीं तहसील कार्यालय पहुंचकर उन्होंने तहसीलदार लवीना घाघरे को आवेदन देकर अपनी मांगे भी सामने रखी है। इस दौरान प्रदीप शुक्ला दीपक यादव ने कहा कि बिजली विभाग 10 घंटे खेतों के लिए बिजली दे रहा है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि भी उनके खातों में जमा नहीं की गई है। वहीं सोसाइटी द्वारा डिफॉल्टर किसानों को खाद बीज नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा जलाशय निर्माण की मांग भी उन्होंने रखी है। इस आवेदन के दौरान दीपक शुक्ला, प्रदीप शुक्ला, दीपक यादव, रेवा प्रसाद, टीकाराम सहित अन्य किसान मौके पर मौजूद रहे। क्या अभी तक के खाते में पेमेंट आया नहीं है? हाँ। घोषणा तो कर रहे हैं कि हम डाल रहे हैं। हाँ। लेकिन अभी तक कोई भी किसान को मुआवजा नहीं मिला। हाँ। तो कितने किसानों को मिला है? अभी चोली ब्लॉक में एक को भी नहीं मिला। किसानों की समस्या है, जो 10 घंटे बिजली देने का दो अलग अलग किस्तों में देते हैं, उसमें भी लाइन बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो रही है। उसके अलावा किसानों की समस्या ये है कि 4 घंटे बिजली देकर रात को पूरी लाइन बंद कर दे रहे हैं, जिससे कि किसान अंधेरे में रहता है, सांप बिच्छू इसमें उसमें उसको तकलीफ होती है। और लाइन जो फॉल्ट हो जाती है, एक एक हाफ हाफ डे बंद रहती है, 4-4, 6-6 घंटे, उसके बदले में अलग से बिजली देना चाहिए। और जो किसानों का बीमा काटा गया है, उसकी बीमा की राशि मिलना चाहिए। गाड़ा डैम का फायदा जो घोड़ा डोंगरी क्षेत्र को मिलना चाहिए, वो मतलब वो गाड़ा डैम बनना चाहिए, बिराज नहीं बनना चाहिए। ये है मुख्य मांगे, इसी के लिए आया।